ईश्वर ही है और है कौन। ग्रहणशीलता जिस बॉडी के अंदर है वह स्त्री है। जब आप प्रवचन सुन रहे हो, ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, जितना ज्यादा ग्रहण कर रहे हो उतना स्त्री गुण जो है ज्यादा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ईश्वर का सबसे मुख्य गुण क्या है? वह है प्रेम। मीरा से आपने तेज प्रेम की झलक प्राप्त की, उसी प्रेम भाव से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हमारा स्वर कैसा हो, स्वसंवाद कैसा, स्वसेवा कैसे हो, यह वरदान अपने लिए मांगें, विश्व के लिए मांगें। भाव का प्रभाव सब बदल दे, सारी नकारात्मकता समाप्त कर दे। आनंदित इंसान विश्व को बदल सकते हैं, सभी को प्रेम आनंद मिले। जन्म मिलने के बाद जो बंधन बने हैं वे कैसे टूटें? भवसागर के दुखों में, जन्म लेने के बाद के दुखों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें। दुख को भी निमित्त बनाकर सत्य जाने, सत्य सबको मिले, सत्य का प्रकाश सब पर बरसे। इस भाव में आप सकारात्मक उपस्थिति रखते हैं। इस उपस्थिति में आप चुंबक होते हैं। यह चुंबक विश्व के कोने कोने से सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, सभी के मंगल के लिए प्रसारित करता है। आप भी ऐसी भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रार्थना करें, ईश्वर से ईश्वर की ही मांग करें ताकि ईश्वर सभी को मुक्त करे, सभी को स्वस्थ करे, सभी को गुणों की अभिव्यक्ति करने दे, सभी अपनी सीमित सोच से बाहर आ जाएं, सभी सकारात्मक ऊर्जा द्वारा चमत्कार जो संभव है मनुष्य देह में वह कर दिखाए। ऐसी भक्ति के साथ प्रार्थना करें, हे ईश्वर, सभी ईश्वर निराकार या आकार दोनों को बुद्धि से नहीं हृदय से जानकर दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को दिशा मिले, केवल सकारात्मक असर हर जीव पर हो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी भक्ति दो जो सबके लिए
मंगल ही चाहे, सबका मंगल हो रहा है, हो रहा है। इस मंगल से कितनी बड़ी संतुष्टि मिल रही है, कितना आनंद आ रहा है, कैसा मौन छा रहा है, मीठा मौन पसंद आ रहा है। ऐसे मौन से सभी के लिए मंगलकारी किरणें निकलें, सबको मुक्त करें, आज़ाद करें। लाइट हीलिंग ऊर्जा हीलिंग किरणें सभी को मुक्त कर रही है, मुक्त कर रही है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो रहा है। भक्ति बढ़ते जा रही है, भक्ति से स्वार्थ निकलते जा रहा है। भक्ति परम अवस्था तक पहुंच रही है। प्रेमानंद मौन प्रेम का मतलब, प्रेम का मतलब तो है मीरा। मतलब तो है मीरा, प्रेम से पाया शाम, जहर का प्याला हंस कर पी गई, लेकर शाम का नाम। सब में प्रेम ऐसा जग जाए, सब मीरा बन जाए, सब मेरा बन जाए, सब में प्रेम ऐसा जग जाए, सब में प्रेम ऐसा जग जाए, सब में कृष्ण दिख जाए। अंत में तपर्पण करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विश्व महिला दिवस है। विश्व महिला दिवस यानी पार्वती शक्ति, ऐसा दिवस है। तो स्त्री क्या कर सकती है? जो करने के लिए वह प्रकट हुई। शक्ति क्यों प्रकट हुई? शिव अकेला था, शक्ति क्यों प्रकट हुई? क्या अभिव्यक्ति करने के लिए? तो स्त्रियों में जो तीन मुख्य गुण है, वे अभिशाप न बने अगर, तो स्त्री पूरे विश्व को चला सकती है। संसार को जैसे पैदा किया है, जननी बनी, माता बनी, तो उसके अंदर वो गुण है। संसार को चलाने की शक्ति पूरा विश्व, मगर आज नहीं चलाया जा रहा, वैसे स्त्री गुण से नहीं चलाया जा रहा है। तो क्या कमजोरी रह गई? जो अगर स्त्री प्राप्त करती है तो वह पूरे विश्व को चला सकती, बेहतर चला सकती है, क्योंकि उसका झुकाव हृदय की तरफ ज्यादा है। तो आज उस तरह का दिवस है, तो ये कुछ बातें हम समझ लें कि तीन मुख्य गुण क्या है स्त्री के। सबसे पहला गुण जो है ग्रहणशीलता, जैसे बताया आकार उस वजह से बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से है, समर्पण का भाव जो स्त्री में सहजता से है, ग्रहणशीलता जिस बॉडी के अंदर है वह स्त्री है। जब आप प्रवचन सुन रहे हो, ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, जितना ज़्यादा ग्रहण कर रहे हो उतना स्त्री गुण जो है ज़्यादा है। जब वो पूर्ण होगा, पूर्ण आत्मसात करोगी, लोगे अंदर, और ये गुण सबसे ज़्यादा मुख्य, जहाँ आसानी से अहंकार का समर्पण हो सकता है। यानी जो रिजल्ट लोगों को सालों साल तप करके नहीं आती, वो थोड़े ही समय में
स्त्री गुण वाले को मिल सकती है। तो पहला गुण ग्रहणशीलता, दूसरा जो गुण है निरंतर कार्यक्षमता, उनमें जो दूसरी क्वालिटी है निरंतर कार्यक्षमता। आप देखोगे विश्व में इतने सारे काम जो हो रहे हैं जहां पर एक जगह बैठकर काम करना पड़ता है, जहां निरंतरता आवश्यक है। स्त्री के लिए कैसे सहज है, जैसे वो एक घर में रह पाती है सालों साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल वो रह पाती है। तो निरंतर कार्यक्षमता, ग्रहणशीलता पहला गुण है, दूसरा गुण है निरंतर कार्यक्षमता, यानी कोई काम में वो लग जाएगी निरंतरता से, कितना भी बोरिंग काम हो वो कर सकती है, वह उसकी क्वालिटी है। 9 महीने पेट में बच्चे को रखना कितना बोरिंग काम हो सकता है, मगर उसके लिए सहज है। आज हम बात कर रहे हैं कि स्त्री के साथ क्या गुण है और यदि वह इस्तेमाल करती है तो पूरे विश्व को कितने सही ढंग से चलाया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्ति रखने के बावजूद भी आज वो गुलामी का जीवन जी रही है। तो आज का दिवस जगाने का दिवस है। कोई भी दिन रखा जाता है इसलिए रखा जाता है कि चेतना बढ़े, जागृति बढ़े, मनन हो और हम जो आज अपनी कमजोरियों में उलझ गए हैं उनसे बाहर आए। तो निरंतर कार्यक्षमता है स्त्री में, इसलिए वो काम लगातार करते ही जाती है। मगर कमजोरी क्या है? कमजोरी है तारीफ की गुलाम। तारीफ कोई करता है थोड़ी भी तो वह जल्दी अपने लक्ष्य को भूल जाती है कि वो प्रशंसा चाहती है। अपने आप को न जानने की वजह से, अपने आप को शरीर मानने की वजह से, और उनकी दूसरी जो बात है वो बोलकर सोचती है, सोचकर नहीं बोलती है। बहुत सारी बातें वो बता देती है, जो नहीं बतानी चाहिए वो बता देती है। तो इस पर कार्य करना होगा, संयम इस बात का बढ़ाना होगा जुबान पर, यानी दोनों को मिलाएंगे अगर तो जुबान पर ज़्यादा कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये एक बात जैसे बताई। फिर तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है सहनशीलता। जैसे बताया प्रसव की पीड़ा, बच्चे को पैदा करने की पीड़ा स्त्री सह पाती है, उसके अंदर वह सहनशीलता है। स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, तो स्त्री कितना बड़ा काम कर सकती है, प्रेरणा बन सकती है, विश्व को चलाने में भी काम में आ सकती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये गुण जो हृदय से रिलेटेड है, हृदय किसी को दुखी नहीं करना चाहता, हृदय अत्याचार नहीं करना चाहता, तो इसलिए कहा कि सभी को हृदय पर शिफ्ट किया जाए, यानी यह गुण लाया जाए तो विश्व में क्रांति लाई जा सकती है। इन गुणों को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। मदर मेरी के अंदर जो गुण थे तो जीसस पैदा हुए। मीरा के गुण आप जानते हैं, वह कैसे तेज प्रेम को अभिव्यक्त कर पाई, उसके लिए कैसे सहजता थी। जनाबाई है, दयाबाई है, सहजोबाई है, इनके द्वारा कैसे अभिव्यक्ति हुई। राधा है, सीता है, गोपियां है, कितने सारे नाम आते हैं जब आप पढ़ते हो तो पता चलता है कि इतनी स्त्रियां हुई है और जिन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया है। कई जगहों पर तो नाम पॉपुलर भी नहीं हुए, वे अंधेरे में ही रहे, क्योंकि वहाँ के जो गुण है चुपचाप रहना, सहते रहना, तो वे गुमनाम ही रही। ऐसे कई सारे नाम है जो अगर सामने आते तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। सबसे बड़ा उसके अंदर जो चेतना है, शिव है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। शिव और शक्ति दोनों का जब इस्तेमाल होता है तभी पूर्णता होती है। दोनों जोड़कर अगर विश्व को संभाला जाएगा तो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है एक स्त्री के द्वारा। तो स्त्री को थोड़ा ऊपर उठना होगा, छोटी छोटी बातों में अटकने से ऊपर उठना होगा, तो फिर बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर। वर्तमान मन और होने में होना
योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट होने जा रहा है शनिवार 25 मार्च 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 26 मार्च 2023 दोपहर 1 से 4:30। तो इस ध्यान शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें